बिल्कुल बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर के 779 उर्स मुबारक के बाद बंद किया जाने वाला नूरी दरवाज़ा अब से थोड़ी देर पहले सजादा नशीन दरबार आलिया दीवान मदूद मसूद चिश्ती ने खोल दिया है। इस मौके पर ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद हज़रत बाबा फरीद को अकीदत और एहतराम पेश करने के लिए आई हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक रूह परवर मंज़र जो है वो देखने को मिल रहा है। ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। आने वाले ज़ायरीन में लंगर तकसीम किया जा रहा है। आने वाले ज़ायरीन को रवायती तबरकात जो 800 साल पुरानी रसूम है उसको अदा करते हुए तकसीम किया जा रहे हैं। यहाँ पर महफिल क़्वाली अदा की जा रही है। लोगों में मोहब्बत और अकीदत का एक नक्शा नज़र आ रहा है और मैं देख रहा हूँ कि जो फ़ज़ा है यहाँ पर अल्लाह अकबर और हक फरीद या फरीद के नारों से गूंज रही है। उर्स का आखिरी दिन होता है और 10 मुहर्रम को दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। ये करबला के सोग में ये रस्म चली आ रही है कि उस वजह से उस सोग में ये दरवाज़ा बंद किया जाता है। तो इस वजह से आज यानी दरवाज़ा खोल दिया गया। ये फिर इंशाल्लाह अगले साल 10 मुहर्रम को फिर इसी तरह से बंद होगा। तो अब ये दरवाज़ा खोल दिया गया और खुला रहेगा जैसे रूटीन वाइज सारा साल होता है उसी तरह से खुला रहेगा। तो आज इसकी ओपनिंग का इफ्तिताह मैंने कर दिया। तो इंशाल्लाह ये जैसे रस्म रिवाज या जो चीज़ है वैसे चलती रहेगी। तो इस हवाले से ये दरवाज़ा बंद रहा है और फिर ये भी रस्म के साथ है कि संदल जहाँ
मुस्लिम हो गए।